शहर में स्ट्रीट लाइटें काफ़ी जगह खराब पड़ी हैं और कई खंभों पे है नहीं, इसको नगर पालिका को ठीक कराना है, तो ये क्या अड़चना रही इसके पीछे? इसके लिए चूँकि चुनाव के बाद एटा नगर पालिका परिषद में बोर्ड की बैठक को लेकर विवाद उवाद हुए वो चल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की जो स्ट्रीट लाइट है इसके लिए अतिरिक्त जो वैकल्पिक व्यवस्था है 14वें वित्त आयोग से इसमें कार्य योजना की स्वीकृति पहले से मिल गई थी और उस 14वें वित्त आयोग से पहले ही जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन 16-17 के लिए हो गया था, तो उसके तहत टेंडर उंडर निकाल करके इनको ठीक करा लिया। हम एटा के मुख्य बाज़ार सुभाष चौराहे पर हैं और इस समय लगभग 10 बज रहा है और बाज़ार बंद होने के कगार पर है। कुछ व्यापारी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी समस्या का निराकरण अभी क्यों नहीं हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? श्याम बाबू गुप्ता। अच्छा, यहाँ की मुख्य दिक्कत क्या है? दिक्कतें तो ये लाइट की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, सफाई नहीं हो रही है, नालियों में पानी भरा पड़ा है। अभी अभी ये मान के रात है, यहाँ पे अंधेरा हो गया है एकदम जी, जबकि लाइट आ रही है जी, तो यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कुछ भी नहीं है, आपके सामने आप देखें बिल्कुल सारी बंद पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई घटना हुई है? घटना बहुत हुई है, लगातार होती रहती है घटनाएं। तो कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से की? शिकायत होती है, पुलिस प्रशासन देखते हैं, आते हैं, FIR हो जाती है, हुआ नतीजा। कभी आपने जनप्रतिनिधियों से बात की कि क्या कोई समस्या? जनप्रतिनिधि आते हैं, वो कुछ दिनों के लिए हो जाता है, रिसाव करा देंगे, बस आश्वासन मिल जाते हैं, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। नगर पालिका की तरफ से आश्वासन मिल जाता है। ये व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, वो बता रहे हैं कि लाइटें यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थिति है। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों से कहा लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालात ये हैं कि एटा ज़िले में 4000 स्ट्रीट लाइटें हैं, उनमें से 2800 से ज़्यादा ख़राब हैं। कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं लेकिन जिला प्रशासन हो या फिर नगरपालिका प्रशासन इससे सबक लेता नज़र नहीं आ रहा है। वीरेंद्र पांडे।